गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? ऑल वेल? फिर बॉफी हुसैन और जीतू आया है अब तक। ओम मिस्त्री। ओके उसके बाद चलो। ओके so we last time I told you we are doing a small theory to find center of gravity, CG करके denote करते हैं। उसमें I wanted to tell you what is torque। torque के बारे में लिखो। torque is same as moment of force। ये खाली लिख के रखो। torque is same as moment of force। All right, of your definition. डेफिनेशन में बहुत इजी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, बाद में बुक की डेफिनेशन भी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन इज डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मुझे वो वाला प्रॉब्लम दिया ही नहीं, किसी ने सबमिट नहीं किया। स्फीयर के अंदर स्फीयर काटा हुआ, मैंने बोला था मुझे चाहिए, किसने किया? विधि अभी सबमिटेड जस्ट। विधि, अफीफ, हुसैन, जीतू, ओम, ये मुझे चाहिए, किसी ने नहीं किया ये। आई वॉन्ट बिफोर 10 o'clock tonight ये वाला प्रॉब्लम। आई डू नॉट लाइक दिस, यू टू वर्क हार्ड। ओके सपोज टेल मी दिस इज एनी बॉडी, तो डी उसका वेट होगा कुछ, वेट है सपोज 10 kg, मतलब एक्चुअली मास इज 10 kg, तो व्हाट विल बी वेट? वेट विल बी m into g, यानी जैसे 10 into 10, g को 9 point इधर, लेकिन 10 पकड़ लिया मैंने, तो वेट इज 100 newton। ठीक है, 100 newton कहीं ना कहीं ऐड करेगा। सो द पॉइंट एट विच एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? Center of gravity is defined as a point at which the whole weight of the body always acts, irrespective of the position of the body. चाहे मैं इस body को ऐसे लटका दूँ अभी, तो भी ये point यही रहेगा, change नहीं होगा। इस body को और ऐसे टेढ़ा करके लटकाऊँ, तो भी point वही रहेगा। Alright? That is what is the basic definition of center of gravity. Write down this. You can write. It is defined as a point. सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास लिखो, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट, एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट whatever may be the position of the body. एक और डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ आपको। डेफिनेशन इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि बुक में वो डेफिनेशन लिखी हुई है। Anybody can tell me what is force of gravity? Anyone? What is the meaning of force of gravity? क्या? Force of gravity क्या होता है? देखो, हमारे पास जो पजिस करते हैं ना, सिर्फ मास पजिस करते हैं। A matter possesses only mass. इसके पास मास है, लेकिन वेट कब बनता है? जब उसको अर्थ खींचती है अपनी ओर विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज व्हाट इज फोर्स। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट वेट ऑफ द बॉडी जो है वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट एट विच द मोमेंट ऑफ और टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी टॉर्क ड्यू टू वेट अबाउट दैट पॉइंट इज जीरो। ये थोड़ी डेफिनेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है मैं बताता हूँ इसका मतलब। इतने पार्ट का जो वेट होगा वो आपस में एक दूसरे, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड कैंसिल करेगा।
ये क्लॉकवाइज वेट या एंटी क्लॉकवाइज वेट, तो व्हाट विल हैपन अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द वेट विल नलीफाई, टॉर्क विल बिकम जीरो और मोमेंट ऑफ फोर्स विल बिकम जीरो. आप लिख डालो इसको, खाली डेफिनेशन लिख डालो, बट बिकॉज इट इज गिवन इन द बुक आई एम मेकिंग यू राइट. यू कैन राइट, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज अ, और अल्टरनेटिव डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट एट विच the resultant torque, at which the resultant torque yani moment of force, resultant torque due to force of gravity, resultant torque due to force of gravity on the body is zero. अबे ना, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन 133 कॉपी करने को बोलूंगा, मेरे बुक में 133 है, जरा आप लोग ढूंढो. एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड, ये डायग्राम कहीं दिख रहा है क्या, ये टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम ऐसा? जीतू जरा सर्च करो ऐसा डायग्राम कहाँ पे है, कौन से पेज पे है. जीतू सर ढूंढ, हाँ कौन सा 148 पे सब लोग जाओ और इसका करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन कॉपी करो. एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट, कॉपी करो. ये डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसी डायग्राम को दो अलग अलग पोजीशन पे बनाना है. बहुत आसान है, बहुत ही इजी चीज है. कितना आसान है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. इस बॉडी को पहले ऐसे लेके उल्टा लटकाया, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है डायग्राम में, लेकिन यही बॉडी इसको उस तरह से लटकाया हुआ है. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. देखो इसमें क्या करेंगे, इस बॉडी को किसी एक पॉइंट पे ना हम लोग सस्पेंड करेंगे तो बॉडी झूलेगी, झूलते 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 कहीं पे रेस्ट पे आएगी. जैसे ही रेस्ट पे आएगा वहां से एक वर्टिकल लाइन झूलने लगेगी, झूलते झूलते कहीं पे वो रेस्ट पे होगी. जैसे आएगी यहाँ से वापस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ होगा दैट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. है कि नहीं आसान एकदम बच्चों? दिस इज वेरी सिंपल. हाँ, बस इसको ओन वर्ड्स में लिख डालना, इधर से कॉपी कर लेना, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लेमिना. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज लेमिना, मींस व्हाट इज द लेमिना? ये इसमें लिखा है देखो क्वेश्चन में, हाउ टू फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ लेमिनार ऑब्जेक्ट. लेमिना क्या होता है? लेमिना, खाली ध्यान रखो, इज अ सॉलिड ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस. सॉलिड लेकिन निग्लिजिबल थिकनेस का मतलब उसको तोड़ना मोड़ना, जैसे पेपर होता है, पेपर इज अ लेमिना, बट वो लेमिना नहीं बोलेंगे क्योंकि वो टूट ऐसा मोड़ने पे मुड़ जाता है.
It is solid. Lamina yani something which is solid but very thick, very thin, which cannot be bent. I hope that's clear. ये समझ में आया क्या? अपने इसमें से कॉपी मार के लिख देना क्वेश्चन लिख के. All right. Okay. इसके बाद after this we'll do question लिखो. एक क्वेश्चन लिखो. What is meant by more important part of the RA? What is meant by equilibrium of a body? What is meant by equilibrium of a body? What is meant by equilibrium of a body? Okay, so now then, sir. Anybody knows what is equilibrium? मुझे एक बात बताओ. सुनो. ये suppose body इसके ऊपर मैंने बहुत सारे forces लगाए. बहुत सारी forces लगाए और body यहाँ पे move कर रही है ऐसे. किसी direction में जा रही है, accelerate हो रही है, उसकी speed बढ़ रही है, घट रही है, कुछ हो रहा है उसको. So this body will never set to be in equilibrium. This body is never set to be in equilibrium. But suppose इसके बाद बॉडी कम्स टू रेस्ट, फोर्स एक कर रहे हैं बहुत सारे बॉडी पे, लेकिन बॉडी टस से मस्त नहीं हो रही है. बॉडी क्या से क्या नहीं हो रही है? बहुत सारे फोर्स एक कर रहे हैं लेकिन बॉडी टस से क्या, टस से मस्त नहीं हो रही, मतलब जरा भी हिल नहीं रही है. देन वी से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? इक्विलिब्रियम, अ बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, अ बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम If the system of forces acting on the body keep it at rest or in uniform motion, body अगर uniform motion में जा रही है तो भी उसको equilibrium भी बोलेंगे, क्योंकि उसकी body की position में rest नहीं है, वो change नहीं आ रहा है speed में वगैरह में. A body set to be in equilibrium if the system of forces acting on the body keep it at rest. Equilibrium means a state of rest or uniform motion under the action of forces. State of rest or the state of uniform motion under the action of forces. Or a body is said to be in equilibrium if there is no change in the state of motion. Agar body rest pe hai, to that motion is zero. Agar body uniform motion se chal rahi hai, to uniform motion se chalti rahe. A body is said to be in equilibrium if there is no change in the state of motion of the body. If there is no change in the state of motion of the body, हमारे दिमाग में क्या मालूम है? Force लगाया कि body चलने वाली है, ऐसा थोड़ी है. Building के लगाओ force, क्या building चलती है? आपने force तो apply किया है. That means building is in equilibrium. But एक छोटे object पे force लगाओ, force चल देता है, तो that object is not in equilibrium. I hope that is clear. Yes sir. Okay. तो इसके answer लिखो, तीनों answer लिख डालो. ऐसा लिखो. A body is said to be in equilibrium. If the system of forces acting on the body keep it at rest or in uniform motion, or next line mein likho, equilibrium means sir, keep it rest or uniform motion. Equilibrium means a state of rest or uniform motion
it will be a maintained state of rest or uniform motion under the action of forces. Under the action of forces. Or you can write, a body said to be in equilibrium, a body said to be in equilibrium, if there is no change in the, if there is no change in the, if there is no change in the state of motion of the body. There is no change in the state of motion of the body. There is no change in the state of motion of the body. Acha, ab agla question kya aayega? Anybody can tell me? Agla question kya aayega? Dimag mein? Anyone can think it is based on equilibrium. ये जो मैंने बताया इसके ऊपर से क्वेश्चन फिट होना चाहिए तुम्हारी। सर ऐसा क्या है सर, ऐसे क्यों होगा, ऐसा कौन बोलेगा? कोई क्वेश्चन दिमाग में आएगा इसके ऊपर? एनीवन? हुसैन, हुसैन, विधि, भार्गेश, क्वेश्चन क्या आना चाहिए मालूम है दिमाग में? सर ऐसी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी बॉडीज विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम? कैसे पता चलेगा, कुछ बताओ ना सर, हाउ वी कैन नो दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट? क्वेश्चन लिखो, स्टेट द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, स्टेट द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। स्टेट द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। ओके मुझे एक बात बताओ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अप्लाई व्हाट? अप्लाई व्हाट सर? एक्सटर्नल फोर्स। दैट्स राइट, लवली। टेल मी, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन व्हाट विल हैपन? बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट कंडीशन तो एकदम इजी है, let the external force is not being applied, or we can say, we suppose ye bahut sare force ka ek effect hai, ek akela force. If this force stops acting only, if those this force is zero, will the body change its state of motion? Kya uske andar changes aayenge? Either it will remain rest or it will move with uniform speed, uniform velocity. So best is, if you want the body to remain in translational equilibrium, yani chalne wala equilibrium, so external force, resultant external force acting on it should be zero. How is that? Ek minute, ye samajh mein aaya? Are force hi act nahi karega to kya hoga? Ek minute bolo na bachcho. Oh, clear or not? Yeah, ha ya na to bolo. Yes sir. Yes, sir. बोलो ना यार, नहीं क्लियर तो बिंदास बोलो, नहीं सर क्या बोल रहे हैं आप, बिना बस बड़बड़ कर रहे हो, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक पता चल गया, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, लेट अस से दिस इज रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, मतलब फोर्स में एक्ट, ये सपोज 25 न्यूटन, ये भी 25 न्यूटन, दो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, but the resultant force is zero. This is 25, this is minus 25. Answer is zero. Answer is zero. The resultant force acting is zero. But tell me one thing. यहाँ पे भी force act कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं मालूम है? Sum of the horizontal force should be equal to zero. Sigma Fx should be equal to zero. Sigma Fy also should be equal to zero. अगर ये जीरो तो रिजल्टेंट विल आल्सो बी जीरो, तो सिग्मा एफएक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफवाई इक्वल टू जीरो आर द कंडीशंस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब बोलेंगे सर आप डिफिकल्ट वर्ड कार्य को यूज करते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या चल रहा है सर आपके दिमाग में?
Anybody can tell me? Body may be in translational equilibrium, but it is still not at rest. It is not in equilibrium. कोई देगा एग्जाम्पल? मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऐसा कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा है? एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऐसे एग्जांपल डे और नाइट देखते हैं हम लोग। सबसे बेस्ट एग्जांपल इज फैन। क्या एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रेवल करते हुए वापस कभी हॉल में कभी बेडरूम में कभी किचन में तो जाते हुए देखे जो अपनी जगह पे ही रहता है? बोलो, अपनी जगह पे रहता है कि घूमता रहता है फैन? हाँ, अपनी जगह पे रहता है लेकिन डोंट यू एग्री इट रोटेट्स? तो क्या इक्विलिब्रियम में है वो? रोटेशन तो हो रहा है उसका, रोटेशन हो रहा है, भले ही चल नहीं रहा है यहां से वहां लेकिन रोटेशन तो हो रहा है ना? Yes, बोलो ना। हाँ, दैट मींस बॉडी वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम होने के लिए इवन रोटेशन शुड नॉट टेक प्लेस। ये इस कंडीशन के कारण ट्रांसलेशन रुक जाता है। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ वाई इक्वल टू, क्या हुआ? ट्रांसलेशनल रुक जाता है। लेकिन अगर सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अगर वो जीरो हो जाए या टॉर्क रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो तो क्या होगा मालूम है? बॉडी विल नॉट इवन रोटेट। ये दोनों कंडीशन से ट्रांसलेशनल मोशन स्टॉप। ये दोनों यानी एक ही कंडीशन है। आइदर बोलो सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस और सम ऑफ द टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब बॉडी का ना तो होगा ट्रांसलेशन ना होगा रोल। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दू, मुझे एक रॉड ली, यहां से 50 न्यूटन अप्लाई किया, यहां से 50 न्यूटन अप्लाई किया, ये सपोज 2 मीटर का है, विल इट रिमेन एट रेस्ट? फोर्स तो जीरो है इसके ऊपर, ये -50 या +50 इक्वल जीरो। क्या बॉडी रेस्ट पे रहेगी? क्या ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी? क्या बोलो, यस और नो? क्या ये बॉडी रेस्ट पे है? ये कपल है, कपल प्रोड्यूसेस मोशन ऑफ रोटेशन, जो पैरेलल इक्वल अपोजिट फोर्सेस है, बॉडी धम 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 क्लॉकवाइज रोटेशन चालू हो जाएगा। ये ऐसे रोटेशन करेगी, क्यों 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 100 न्यूटन मीटर का कपल टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज दिस क्लियर और नॉट? इसलिए यस सर, यू वांट बॉडी टू रिमेन इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी जीरो, एंड सम ऑफ द मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। I hope that's clear. बोलो yes, बोलो तो इसके आंसर लिखो जल्दी फटाफट लिखो। ये मैंने अपने ओन वर्ड्स में लिखा है तो आपको इजी लगेगा। ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, मैं अपने नया लिखो, पॉइंट नंबर वन लिखो। When no force acts on the body, when no force acts on the body, then body will, ये अपने own words में लिखा रहा हूँ, ये वापस मेरे को बोलेंगे तो आएगा भी नहीं मेरे को क्या लिखा है मैंने। When no force acts, माज माज अपना ये बंद कर माइक, माज मेरा भी चल रहा हाँ लिखो। When no force act on the body, either body is at rest or moves with uniform motion, or moves with uniform motion. Therefore, when resultant force acting on the body is zero, when the resultant force acting on the body is zero, when the resultant force acting on the body is zero, the body will be in translational equilibrium. Body will be in translational equilibrium.
Asaligo. But we know that force. But we know that force can be resolved into two components, you know, horizontal component, vertical component, into two components. Therefore, condition of equilibrium can be written as, क्या लिखूं? एनीवन? अभी मेरे को अपने मन से तुम बताओगे सर, दिस एंड दिस, हु विल टेल मी? कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैन बी रिटन एज व्हाट एंड व्हाट? इक्वेशन लिखना है मेरे को, कुछ इक्वेशन. क्या लिखूं? विधि, अफीफ, हुसैन, भर्गेश, जीतू, कैन बी रिटन एज सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा FI = 0. फिर नंबर टू लिखो. नंबर टू, व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड द बॉडी कॉमा द बॉडी एनीबॉडी व्हाट विल राइट? When an external torque is applied to the body, anyone? क्या लिखाऊंगा इसके आगे? Oh, अच्छा चलो मैं दो ऑप्शन देता हूँ. Body moves or rotates? क्या लिखाएंगे? Torque apply किया तो body rotates. Rotates. Body rotates. Therefore. The body will be in rotational equilibrium. The body will be in rotational equilibrium. Therefore, in general, conditions of complete equilibrium are. In general, conditions of complete equilibrium are sigma fx equal to 0, sigma fy equal to 0, sigma n equal to 0. So what is happening there? Sigma fx equal to 0, sigma fy equal to 0, sigma n equal to 0. अब मेरी बात सुनो. ये एम का है ना लफड़ा, आपको क्लियर करता हूं मैं. ये आपको समझ नहीं आया सर, क्या है एम का, क्या गड़बड़ करते हो? ये दोनों समझ में आए, ये क्यों आप बिना बात? मैं एकदम सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं आपको. ऑलराइट, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं. देखो, सपोज एक ऐसा वुडन प्लैंक है और यहाँ पे एक सपोर्ट है. ऑलराइट, यहाँ पे सपोज 200 न्यूटन का एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे 100 न्यूटन का एक आदमी खड़ा है. ये सपोज 1 मीटर और ये सपोज 2 मीटर. ये सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0. सिग्मा एफ एक्स तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं तो सेटिस्फाइड. सिग्मा एफ आई में -100
नीचे वाले फोर्स मैंने माइनस लिए हैं, नीचे वाले फोर्स मैंने माइनस लिए, प्लस आर, आर यानी अपवर्ड रिएक्शन, माइनस 200 इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिग्मा एफ आई, तो आर कितना आएगा 300। फिर मी, अब मुझे एक बार कॉमन सेंस से बताओ, तुम लोग बचपन में देखा ही होगा क्या ये प्लेट विल रिमेन एट रेस्ट, एक 200 न्यूटन का एक भारी लड़का यहाँ खड़ा है, एक हल्का लड़का यहाँ खड़ा है, ये सपोर्ट है, व्हाट विल हैपन टू द प्लैंक, विल इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम और इट विल ड्यू, ऐसा होएगा, क्या होगा, क्या होगा, इट विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इट विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इवन दो सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो इज सैटिस्फाइड, सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है, स्टिल इट विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल हैपन, इट विल हैव क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये जो प्लेट है ये इट विल स्टार्ट रोटेटिंग दिस वे और इट विल स्टार्ट रोटेटिंग नीचे, इधर से जाएगा 200 वाले क्लॉकवाइज, नहीं सर ये तो है ना डेफिनेटली आपका ये गड़बड़ है, गड़बड़ ऐसे नहीं हो पाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये 100 को यहाँ ले आऊं और ये सपोज इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 200 × 400, हाँ 4 मीटर, टेल मी नाउ विल इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम और नॉट, जरा बताओ क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा, it will remain in equilibrium because 100 into 4, 400 newton ka anti-clockwise moment. Or is that 200 into clockwise moment. And they are balancing. Therefore, sigma moment equal to 0 is satisfied. And now it will remain in equilibrium. It will remain in equilibrium. Therefore, ye jo condition hai na, anti-clockwise, clockwise moment is sabka final answer should come 0. That is another condition which is to be satisfied. इससे पूरा समझ में आ गया होगा कि how this is very important. Algebraic sum of moments about any point should be equal to zero. I hope that is clear. बोलो बच्चों। Yes sir. Okay. अब इसके ऊपर एक छोटा सा problem लेंगे ना तो it will become more clear. तो ये moments apply करने की चीज समझ में आ जाएगी आपको। मैं क्या करता हूँ dictate नहीं करता हूँ, एक छोटा सा ऐसे diagram बनाता हूँ। Suppose this is a beam, इधर एक रिएक्शन है, इधर इसको सपोर्ट किया है, यहाँ पे सपोज ये 10 मीटर लंबी है, यहाँ पे 40 न्यूटन, यहाँ पे 60 न्यूटन और यहाँ पे इधर से 100 न्यूटन, ये सपोज 2 मीटर 2 मीटर, ये 3 मीटर 3 मीटर और 2 मीटर 3, और मुझे बोला है फाइंड रिएक्शन 1 एंड फाइंड रिएक्शन 2, इसके ऊपर कितना ये सपोर्ट कर रहा होगा, यहाँ पे सपोज एक कंधा यहाँ पे दे रहा है, एक आदमी एक कंधा यहाँ पे दे रहा है और तीन लोगों को संभाल रहा है, इस कंधे ने कितना बेचारा रिएक्शन दे रहा है, ये बेचारा कंधा कितना रिएक्शन दे रहा है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये कॉपी कर लो डायग्राम, ये डायग्राम कॉपी करो, एकदम इजी प्रॉब्लम मैंने खुद ही बना दिया ऐसा। सबसे पहले कंडीशन इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो सैटिस्फाइड है, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं हॉरिजॉन्टल, सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो यहाँ पे सैटिस्फाइड सिंस नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, एनीबडी कैन टेल मी यहाँ पे क्या लिखूं, आपके मन से बताना है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, क्या लिखूं यहाँ पे, एंड लास्ट में इक्वल टू जीरो, कितने फोर्स है, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे आने चाहिए, क्या लिखूं बोलो, क्या लिखूं बोलो, प्लस R1 ये प्लस लिखा, -40 -60 -100 इक्वल टू जीरो, क्या और कुछ लिखना है, ये इक्वल टू जीरो बराबर है कि गलत है, बोलो प्यारे बच्चों, दैट्स राइट विधि, R1 + R2 इक्वल टू दोन से इक्वेशन नंबर 1, तो वो दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी, अब एक बात कॉमन सेंस से मुझे लग रही है, R1 का आंसर ज्यादा आएगा कि ये R1 R2 दोनों 100 होंगे, ये भी 100 ऐसा हो सकता है, देखो टोटल 200 है ना,
साठ चालीस और 200, तो 100 इसने लिया, 100 इसने लिया, ऐसा पॉसिबल है क्या? खाली इतना बताओ, यस और नो, इसके पास 100, उसके पास 100, पॉसिबल है कि नहीं है? बोलो यार कॉमन सेंस से. ओ सर नहीं, किसका ज्यादा आंसर होना चाहिए, आर वन का आंसर या आर टू का आंसर? आर टू. तो आंसर किसका आएगा? हाँ आर वन. आर वन विल बी मोर देन 100 और लेस देन 100? सर मोर देन. मोर देन 100. ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ विधि आपको, एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ मैं. ये सपोज विधि है और ये सपोज प्रिशा है और यहाँ पे सपोज भारी भरकम, यहाँ पे इसके पास में 500 न्यूटन का लोड है, तो विधि को ज्यादा रिएक्शन देना पड़ेगा या प्रिशा को? किसके ऊपर ज्यादा तकलीफ होगी, विधि को ज्यादा तकलीफ होगी या प्रिशा को? विधि को. विधि, तो विधि का ज्यादा रिएक्शन आएगा. इनफैक्ट आर टू के पास 100 न्यूटन है, तो आर टू का आंसर ज्यादा होगा, आर वन का आंसर कम होगा. आर वन का आंसर कम होगा. सपोज प्रिशा को मैं और भी दूर ले जाता हूँ यहाँ पे और पूरा का पूरा लोड यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट विधि इज हैंडलिंग एवरीथिंग. ये 500 में से हो सकता है 400 इधर जाए, 100 इधर जाए, ये 450 इधर जाए, 50 उधर जाए. विधि आर यू फॉलोइंग? विधि ओ विधि, यस सर, यस सर. हाँ, तो यार किसका आंसर ज्यादा आएगा, आर वन का या आर टू का? आर टू. आर टू, यस. अब कैसे निकाल लेगा वो आंसर, वो मैं बताता हूँ आपके सामने. देखो क्या करने का मॉडल है, मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज, दैट इज द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट ए इक्वल टू 0. हमने ए पे 0 लिया, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो 40 × 2 − 40 × 2, क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज है. −60 × 5, क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज है. −100 × 8, क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज है. देखना क्लॉक क्लॉक क्लॉक, और ये r2 × 5 इक्वल टू 0. आर टू का डिस्टेंस यहां से 5 है, इक्वल टू 0. और प्लस क्यों लिखा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज. कोई तो कुछ बोलो, प्लीज बोलो कुछ, बोलो कुछ. आर टू इंटू 5 नहीं सर, आर टू इंटू 10 बोलो, 10 ना. इसके डिस्टेंस यहां से आर ए से कितना है, कितना है इसका डिस्टेंस? 5 मीटर की 10 मीटर है, 10 × 10. अच्छा मैंने आर वन का कुछ नहीं लिखा, आर वन इंटू क्या करूं, मैं कहेगा ना आर वन इंटू, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ आर वन फ्रॉम ए, इट इज पासिंग थ्रू ए, इट इज 0. So, can you say 10 R2 80 plus 300 plus 800 1180. R2 का आंसर कितना है, 180 न्यूटन. R2 का आंसर जरा देखिए, अभी मिस्टेक तो नहीं की ना, 80 और 380 और 800 1180. तो देयरफॉर R1 कितना आएगा, 200 माइनस 118, यानी 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8. तो R2 का, R1 का आंसर 82 न्यूटन, R2 का आंसर 118 न्यूटन. और इस तरह से खलास, ये कॉपी कर लो, लेस देन 1 मिनट वी आर हैविंग, जल्दी से कॉपी करो बच्चे हो. एक होमवर्क लिखो, इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे ये 1 मीटर, यहाँ पे भी ये 1 मीटर, यहाँ पे 100 न्यूटन और यहाँ पे 50 न्यूटन. यहाँ पे बाइक ही बनेगा, बाइक